आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। देखते हैं आज की कुछ ताजा खबरें। फडणवीस के आक्रामक अंदाज पर अजित पवार ने लगाई फील्डिंग। राष्ट्रवादी नेता अजित पवार भले ही मंत्रिमंडल में नहीं है, लेकिन उनकी आक्रामकता राष्ट्रवादी विधायकों को देखने को मिल रही है। देवेंद्र फडणवीस सरकार में कुछ घंटे उप मुख्यमंत्री रहे अजित पवार कल बैकफुट पर नजर आए थे, लेकिन अब नागपुर अधिवेशन में राष्ट्रवादी विधायकों को उनका आक्रामक रुख देखने को मिल रहा है। विधानसभा अधिवेशन के मौके पर उन्होंने एनसीपी के विधायकों की क्लास ली। सभागृह में विरोधियों के हमले का जवाब देने के लिए सत्ताधारी पक्ष ने रणनीति बनाई। इसके मद्देनजर अजित पवार ने राष्ट्रवादी विधायकों के विभिन्न विषयों को लेकर उनका मत जानकर फटकार भी लगाई। इस मौके पर एक बार फिर से अजित पवार के आक्रामक अंदाज देखने को मिले हैं। प्रधानमंत्री मोदी वीडियो ट्वीट कर राष्ट्रवादी ने फडणवीस की ली खबर। शीता सत्र के दौरान पिछले दो दिनों से भाजपा ने आक्रामक रुख अपनाते हुए हंगामा मचा रखा है। भाजपा और शिवसेना के विधायकों के बीच जोरदार हाथापाई के बाद राष्ट्रवादी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो ट्वीट किया है, जिसमें नरेंद्र मोदी राष्ट्रवादी की प्रशंसा कर रहे हैं। इसमें वे कह रहे हैं कि राष्ट्रवादी के नेता कभी भी वेल में उतर कर हंगामा नहीं करते, भाजपा को उनसे कुछ सीखना चाहिए। महाराष्ट्र में भाजपा शिवसेना की सरकार न बन पाने का ठीकरा शिवसेना के सर अमित शाह ने कहा कि हमारा साथी भाग गया। गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। शाह ने इस अवसर पर कई मुद्दों पर शिवसेना को घेरा है। उन्होंने कहा कि हम असफल नहीं हुए, बल्कि हमारा साथी भाग गया। शिवसेना के कुर्सी मोह को इसका मुख्य जिम्मेदार बताया गया है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।